हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली एंड आपके परिवार को भी मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। सो आज की वीडियो का टॉपिक है माय रिसेंट प्रोजेक्ट। सो कुछ दिन से पहले मैं थोड़ा सा बिजी था, मैं गिम्बल लेने के बाद, आपने मेरी रिसेंट वीडियो देखी होगी गिम्बल के रिगार्डिंग, तो गिम्बल लेने के बाद मैंने कहा था मैं थोड़ी सी प्रोजेक्ट में, मतलब कि फिल्म मेकिंग की या फिर इस टाइप के कुछ काम करने करूँगा जो मैं आगे आपको शेयर करूँगा। तो मैंने जो काम किया था, एक छोटा सा काम था, वो एक कंपटीशन का था। एक्चुअली में एक कंपटीशन, मैंने एक रील पोस्ट की है तो अब उसका रिज़ल्ट नहीं आया अभी, उसका रिज़ल्ट 30 अक्टूबर को आ जाएगा, पता चलेगा कि हमारी रील ने कुछ किया है कि नहीं किया, तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगा। तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस बारे में, सीधा हम रील को दिखाते हैं। अगर आपने वीडियो देख ली है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी आपको। और इस वीडियो में काम करने वाले मैं अपने सभी दोस्तों के नाम यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, बिकॉज उन लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी है। थैंक यू फॉर ऑल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सबकी मदद से ही ये वीडियो बन पाई है। एंड अगर आप यूट्यूब पर ये जो देख नए लोग हैं, आप कोई भी देखो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी अच्छा कंटेंट बना सकूँ। बिकॉज कह सकते हैं कि मोटिवेशन मिलता है, छोटा सा मैसेज मैं जो वीडियो में है और मैं आपके साथ शेयर करना, जनरेशन गैप का। अब जनरेशन गैप का मतलब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बिकॉज देखिए पहले की जो जनरेशन थी उन लोगों में कह सकते हैं, देखिए बुरा मत मानिए, बट हाँ वुमेंस अपने आप को डिफेंड नहीं करती, अपने बचाव नहीं कर पाती थी। कुछ चीज़ें जो आज भी चल रही हैं जनरेशन टू जनरेशन, लोग इस चीज़ को अडेप्ट कर रहे हैं, बट इस चेन को अब हम नई जनरेशन ने ब्रेक किया है। वो अपने अधिकार के लिए खड़ी होना जानती है, वो अपने हक के लिए लड़ना जानती है। बिकॉज देखिए मैं इस चीज़ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना चाहता, और ये टॉपिक तो अपने में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इसके रिगार्डिंग मैं ज़्यादा बात नहीं कर, मैंने जो रील बनी है मैं उसके बारे में बात बता देता हूँ। तो मैंने इस चीज़ में एक इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि एक जो बड़ी लड़की है वो अपने बचाव में कुछ नहीं कर पाई, अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाई, बट वहीं पे एक छोटी जो न्यू जनरेशन जो उभर रही है वो अपने साथ साथ दूसरों को भी बचाने की हिम्मत रखती है। अब मेरे कहने का तरीका सही हो या गलत हो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट मेरा जो नज़रिया था मैंने अपने रील के माध्यम से या कह सकते हैं अपने बोलने के तरीके से मैंने आपको बता दिया। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप सभी को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से फिर से। प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर रखा तो कमेंट जरूर करें और बताइए आपको वीडियो कैसी लगी।